नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो आपके 7 मार्च को पूछे गए। मैंने पहले शिफ्ट के जितने क्वेश्चन मेरे पास थे मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है, और सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाए थे। तो मैंने सोचा जब हर शिफ्ट का एनालिसिस मैंने करा है तो इस शिफ्ट का भी करना मस्ट है, और जो आपके 9th वाले मतलब कल जो देने जा रहे हैं एग्ज़ाम उनके लिए बेनिफिशियल, अगर किसी भी तरह से हो जाए, एक भी प्रश्न ऐसे मिल जाए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आएगा तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आएगा तो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया, 2 ट्रेन्स मूव टू लखनऊ एट 11 AM एंड 11:30 AM, ईच ट्रेन हैज 140 एंड 110 किलोमीटर स्पीड, फाइंड द डिस्टेंस व्हेन दे मीट ईच अदर। देखिए, लखनऊ से चलती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक 11 बजे चलती है और एक 11:30 पे चलती है, ठीक है, और दोनों लखनऊ को चलती है, मतलब लखनऊ के लिए चलती हैं या मूव्स फ्रॉम लखनऊ जैसा भी दिया गया हो, तो आपको पता है एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। एक की स्पीड आपको दी गई है 140 और एक की स्पीड दी गई है 130, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जी मिलेंगी, अगर ये अगर मिलने की इनकी पॉसिबिलिटी है तो कब मिलेंगी, जब 130 वाली 11 बजे निकले और 140 वाले 11:30 पे निकले तो मिल जाएंगे आराम से जाके। तो आप कहेंगे जी एक घंटे में आपको पता है कि ये कितने बजे चली, 11 बजे, और 130 वाली और 140 वाली कितने बजे चली, 11:30 पे, यानी कि ये वाली दूसरी वाली इससे आधे घंटे बाद चली, किससे, 130 वाली से, यानी कि 130 वाली तब तक आधे घंटे में कहाँ पहुँच चुकी होगी, 65 किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी कि यही 65 किलोमीटर कवर करना है, उसके बाद ये दोनों मिल जाएंगे। क्योंकि अगर 65 किलोमीटर ये कवर कर लेगी, जैसे देखो स्टार्ट ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है 140 वाली और 130 वाली यहाँ पहुँच गई, यानी इसे 65 किलोमीटर को अगर कवर कर लेगी तो वो दोनों मिल जाएंगे। अच्छा, तो अगर हम बात करें एक ही दिशा में दोनों जा रही हो तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 140 माइनस 130 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे, 10 किलोमीटर प्रति घंटे वो कवर करेगी, कवर करना है 65 किलोमीटर, तो यानी 6.5 घंटे लगने वाले हैं, 6.5 घंटे लगने वाले हैं, यानी कि 11:30 बजे से चल के 6:30 बजे, 6.5 घंटे बाद, यानी कि 6.5 घंटे बाद बोले तो 6 बजे वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, समझ आ गया। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 100, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 150, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना था। इससे आसान प्रश्न कुछ हो ही नहीं सकता। मान लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर के होता, थोड़ी देर के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, यानी स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, और इसका अगर वर्गमूल ले लोगे तो ये क्या की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 100 प्लस 2 गुड़े, ये 150 का दूना, यानी 150 लिख दो, 150 दूना 300 और 100 400, 400 का वर्गमूल 20, तो आपकी वैल्यू हो गई 20। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया ये सम ऑफ मनी बिकम्स 1250 इन 1 ईयर ऑन CI एंड 1428 इन 3 ईयर्स। अब देखो सीधे सीधे दिया गया है आपको, पी इंटू 1 + R/100 इज इक्वल टू दिया गया 1250, सीधे दिया गया, ठीक है, और आपको दिया गया पी इंटू 1 + R/100 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1428, ठीक है, ये भी दिया गया है। तो आपसे अगर कहा जाए कि भाई साहब अगर आपको पहले रेट निकालना है, क्योंकि आपको निकालना है अमाउंट का 5.5 / 6 सालों का SI, तो अगर आपको निकालना है तो उसके लिए रेट पता होनी चाहिए। रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इस वाले में इससे भाग कर दें तो PP कट जाएगा, इसका पावर एक कम हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 1428 कट के कितना हो जाएगा 714, ये कट के 625 हो जाएगा, यहाँ पे आप कर लीजिएगा 748 कर लीजिएगा, 1448, ठीक है, जिससे 724 बन जाए, और 724 किसी का वर्गमूल होता है, आप कहेंगे जी 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर भी नहीं होता, अगर 714 है तो ये किसी का स्क्वायर बनना चाहिए, क्योंकि 1 + R/100 का होल स्क्वायर बराबर 714/625। अब ये 714 किसी का स्क्वायर बनेगा, 25 स्क्वायर, ये 625 25 का स्क्वायर है ही, तो आप कहेंगे जी 1 + R/100 का होल स्क्वायर जो भी वैल्यू है, मान लो यहाँ 714 या जो भी डेटा होता, वो ऐसे बनता है K/25 का होल स्क्वायर। अब ये कट जाता तो ये जो K/25 हो जाता उसमें से एक घटा के 100 का उड़ा कर लेते आर आ जाता, और यहाँ पे पुट कर देते आपका SI निकल आता, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल आपको निकाल के तब SI निकाल पाते, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया ये सम ऑफ मनी बिकम्स ट्वाइस इन 13 ईयर्स, यानी 13 ईयर में कितना हो जाता है,
टू एक्स हो जाता है, यानी एक्स था टू एक्स हो गया, यानी एक्स ऐसा ही मिलता है 13 सालों में। तो कहा गया रेट आपको निकालना है, यानी कि 13 सालों में 100% इंटरेस्ट मिलता है, यानी एक साल में 100/13, यानी कि 7/9% इंटरेस्ट होगा, तभी तो 13 सालों में मिलता है कितना, 7/9% रेट हो जाएगा, तभी तो 13 सालों में 100% मिलता है। डन, अगले प्रश्न पे। क्या 35 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे जी 35 × 12/10, यानी कि ये हो जाएगा 420/10, यानी 42 दिन में। ठीक है, अगला प्रश्न। हाँ, यहाँ पे वही क्वेश्चन करने में, अब जैसे मैंने यहाँ पे 42 मार्क कर दिया, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, अगर मुझे ही करना होता है तो 35 × 12/10 करता हूँ मैं गुणा करके करता हूँ, क्योंकि देखो वहाँ पे हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि इजी क्वेश्चन हमारे गलत हो जाए, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। ठीक है, चलो। कहा कि ये सेलर मार्क्स इज गुड्स मोर देन 15% ऑफ सीपी। ये मार्क माई वर्ड्स कि ये क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में पूछा जाएगा। ठीक है, देखो, कहा गया 100 रुपये अगर क्रय मूल्य था तो उसने मार्क किया 115, इससे 15% ज़्यादा। अब कहा गया कि जब वो बेचता है तो इस पर कितने परसेंट का डिस्काउंट देता है, 25% का। बोले तो इसके 3/4 पे बेचता है, यानी 3/4 पे बेचेगा तो 345 रुपये/4, यानी कि 4×8=32 और 4×6=24.25, यानी 100 का खरीद के 86.25 का बेचता है, यानी 13.75% का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया ए और बी जो हैं वो परचेज करते हैं क्या आर्टिकल्स 800 में और उसको बेचते हैं 18% प्रॉफिट पे। ए और बी परचेज करते हैं आर्टिकल 800 रुपये के, और ए ने 18% प्रॉफिट पे बेचा और बी ने 22% लॉस पे बेचा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये 800 का दोनों क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, एक मिनट, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य 800 रुपये है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकाल। देखो, अगर एक का 800 रुपये है, देखो 800 रुपये अगर किसी का क्रय मूल्य है, ठीक है, 800 रुपये अगर क्रय मूल्य है या 800 रुपये विक्रय मूल्य दिया गया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा कहते हैं, मतलब डेटा लिखने की लैंग्वेज थोड़ी गड़बड़ है। कहा गया अगर 800 में बेचा जाता है 18% प्रॉफिट पे, यानी सीपी का ये 59/50 है, यहाँ से आप सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको 22% लॉस पे दिया गया, यानी कि सीपी का कितना है, 39/50 है, यानी कि सीपी यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर सीपी निकालने को दिया रहा होगा तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी देख लीजिए। ऐसा दिया रहा होगा कि 800 रुपये में प्रत्येक खरीदते हैं, तो आपने सीपी जैसे मैंने बताया निकाल लिया, और कहा गया कि ओवरऑल ना उन्हें प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अब देखो, मान लो एक का खरीदा जाए, दूसरा 800 - 1 का, और कहा गया इसका 18% प्रॉफिट, इसका 18% अगर प्रॉफिट है और इसका 22% लॉस, यानी 22/100 और इसका 18/100, ये दोनों बराबर होगा तभी तो। देखो, अगर आपको किन्हीं दो सामानों को बेचने पे, एक को लाभ पे बेच रहे हैं, एक को हानि पे, तो कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे जितना दूसरे पहले पे फ़ायदा हो रहा है उतना ही दूसरे में नुकसान हो रहा होगा, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये ऐसे कर लेंगे, यहाँ से ए कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे क्वेश्चन ये नहीं रहा होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहते पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर एंड बेस इज 18 सेंटीमीटर, फाइंड इक्वल साइड्स। अब देखो, इससे सड़ा प्रश्न क्या हो सकता है, ये आपको दे दिया गया 18, टोटल दे दिया गया 50, यानी कि 18 इसमें से घटाइए, 21 ये हो गया, सॉरी 21 होगा, ये कितना हो जाएगा 32, 16 ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 16 16 32 18 50, तभी पेरीमीटर हो जाएगा। कहा गया एन इज ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि भैया पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने एक वीडियो बना रखी है इस क्वेश्चन पे, 2-3 मिनट की होगी, जाके देख लीजिएगा, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। कहा गया एन इज डिवाइडेड बाई 7 एंड इट गिव्स रिमाइंडर एज 2। ठीक है, कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द गिवन बिलो विच गिव्स रिमाइंडर 0 व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 7। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इक्वेशन बनाना है, ये थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन को घुमा दिया। कहा गया एन को जब 7 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है। कहा गया इक्वेशन फाइंड करना है जब रिमाइंडर 0 बचे। अब ध्यान दीजिए, अगर हम मान लें कि भागफल थोड़ी देर के लिए m आता है 7 से डिवाइड करने पर और रिमाइंडर 2 बचता है, तो n को हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 7m + 2। एन को क्या लिख सकते हैं, 7m + 2, यानी कि 2 को अगर हम इधर ले जाएं, 2 को इधर ले जाएं, यानी कि हम कह सकते हैं n-2 = 7m, यानी n-2 एक ऐसी संख्या, या ऐसे करिए n-2/m = 7, या हम कह सकते हैं n-2/7 = m। और जहाँ पे हमने यम माना क्या था, चूँकि हमने माना था भागफल, तो भागफल हमने इंटीजर माना था, यानी कि यम आपका इंटीजर है, और एन माइनस टू को 7 से डिवाइड करने पे अगर इंटीजर भागफल आ रहा है तो आप कहेंगे जी n-2 पूर्णतः डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर 0 छोड़ता है, यानी n-2 हमारा संख्या हो गई, उसको 7 से डिवाइड करने पे m रिमाइंडर छोड़ता है। इस तरह से कुछ इक्वेशन आपको बनाना था। डन, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
क्या कहते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या दिया गया, यानी टू टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ कितनी दी गई, 50। और क्या गया, एरिया दिया गया 150, यानी एल इंटू बी इज इक्वल टू 150। अब आपको निकालना है शॉर्टेस्ट साइड, तो आपको एल प्लस बी दिया गया है, यानी कि एल प्लस बी इज इक्वल टू 25 दिया गया है, और एल बी इज इक्वल टू इतना, तो आप कहेंगे एल 15 हो गया, बी 10 हो गया। तो आपसे शॉर्टेस्ट साइड यानी कि विड्थ पूछी गई थी, आप बताएंगे जी 10। कुछ इस तरह से आपसे सिनो एंटो पूछे गए, एफ्लुएंट एक्यूरेट, ये सारे सिनो थे। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में पारंगत होना। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, करेक्ट होना। असिस्ट मतलब होता है किसी की सहायता करना। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती होना। एक्सक्लामेशन मतलब होता है विस्मयादि बोधक। परसीट का स्पेलिंग पूछा गया था, एम्बेरेसिंग का भी स्पेलिंग पूछा गया था। OWS में पूछा गया था यूथनेसिया और नर्सरी। अच्छा, मैंने सुना है कि थर्ड शिफ्ट में वही नहीं पूछा गया OWS, ठीक है। EDMs पूछा गया, गिव ए पीस ऑफ माइंड, कम टू द पॉइंट। इसका मतलब होता है गिव ए पीस ऑफ माइंड, मतलब होता है किसी को अपनी फीलिंग वगैरह बताना, और कम टू द पॉइंट मतलब होता है कि एकदम क्रूशियल पॉइंट यानी मेन पॉइंट को हिट कर देना, जैकपॉट को हिट कर देना, ठीक है। और कुछ EDMs लिख दीजिएगा, कट एंड राइड, कट एंड राइड ये शायद थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। और एक आया था एट लार्ज, एट लार्ज एक शायद पूछा, एक मिनट, एट लार्ज भी पूछा गया था, ठीक है। तो एट लार्ज, कट एंड राइड ये दोनों EDMs थर्ड शिफ्ट के हैं, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिएगा। और OWS उसमें पूछा नहीं गया। और देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस, चलिए देख लेते हैं। तो थर्ड शिफ्ट के कुछ मैथ्स के क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे आपको एक फैक्टर करना था, जैसे मान लो दे दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 8 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2 मान लीजिएगा, 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका फैक्टर करना था मान लो। अब इसका फैक्टर आपको कैसे करना था, मान लो यहाँ पे दे दिया गया ए प्लस 4, ऑप्शन ऐसे दिए गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी माइनस 2 सी और ए माइनस बी प्लस 2 सी, ऐसे कुछ फैक्टर मान लो दे दिया गया। अब आप अगर फैक्टर करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, आपको ए बी सी तीनों को बराबर वैल्यू पुट कर देनी है, और ऑप्शन में देख लेना है कि कहीं इसकी वैल्यू जो आ रही है ए बी सी की तीनों की बराबर वैल्यू पुट करने के बाद कहीं दो ऑप्शन की मैच तो नहीं हो रही। बस कर दीजिएगा दोनों की वैल्यू, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया उसकी वैल्यू और जो फैक्टर करने के बाद आ रहा है उसकी दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। अगर ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक रख देंगे तो आप कहेंगे जी फिर सही है हमारा, ठीक है, फैक्टर वही होगा। एक प्रश्न और देख लेते हैं। दिया गया था ए पावर 4 प्लस 1 अपान ए पावर 4 इज इक्वल टू 50, तो आपको निकालना था ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ से कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 अपान ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 रूट 13, क्योंकि इसमें दो जोड़ के रूट निकालें, यानी कि हम कह सकते हैं ए प्लस 1 बाई ए यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 रूट 13 प्लस 2 का अंडर रूट। अब इसका क्यूब करके और इसमें से अगर ए प्लस 1 बाई ए आ गया तो आपको ए क्यूब प्लस 1 अपान ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे जी इसका क्यूब, अगर ये m होता तो m क्यूब माइनस 3m कर देते, आंसर आ जाता। एक प्रश्न ऐसे पूछा गया कि 12 किलोमीटर दूरी जाने में अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल 3 है और वही 12 किलोमीटर वापस आने में 12/x+3 से जाने में 1 घंटे का समय लगता है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, हालांकि ऑप्शन मुझे पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, x जहाँ पे नाव की चाल है तो आप कहेंगे जी 24x इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, x बराबर सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 3 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं 3 नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 24 माइनस बी प्लस माइनस 3, धारा 4 लगा दीजिएगा, बी स्क्वायर यानी 576 प्लस ये कितना हो गया 4×9=36/2 यानी कि 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो रूट में आपका कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रूट वाले क्वेश्चन थोड़े पूछे गए ज़्यादा लोग बता रहे हैं। जैसा कि और एक क्वेश्चन पूछा गया टाइम एंड वर्क का, कह गया ए कोई कार्य मान लो 12 दिन में करता है, बी 10 दिन में करता है और सी कोई वही कार्य 15 दिन में करता है, ठीक है। अब आपसे नहीं, सी 15 दिन में नहीं करता, मान लो सी की सहायता से ये लोग वही कार्य 5 दिन में कर लेते हैं, तो आपसे पूछा गया था सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 12 का और 10 का और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, सबका बदला लेगा 13/60। अब ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 12, यानी ये दोनों मिलके 5-6 करते हैं, ये टोटल मिलके 12 करते हैं, यानी सी कितना करता होगा, ए करता होगा। ये आपको दिया गया ए प्लस बी प्लस सी, सी ए कार्य करता है, 60 करना है, 60 डेज लगेंगे, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया था, उसकी ये साइड मान लो 12 दे दी गई, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके बीच का एंगल दे दिया गया, तो आपको पता है कि अगर एक साइड ए हो दूसरी साइड बी हो उनके बीच का एंगल सी हो तो आप कहते हैं कि इनका एरिया कितना हो जाता है, 1/2 AB sin C, तो ये आपका एरिया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में पूछे गए, बहुत डायरेक्ट भी पूछे गए और इनडायरेक्ट DI थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। DI कुछ इस प्रकार से आप लोग एक आध देख लीजिएगा, जैसे कि
मान लो कि दिया गया कि पांच शहर हैं, ए बी सी डी ई, पांच शहर है ठीक है। अब इनके 2011, 12, 13, 14 के इनके डेटा दे दिए गए कि इतनी इतनी जनसंख्या, मतलब इतना इतना परसेंट बिलो पावर्टी लाइन है, अबव पावर्टी लाइन है ठीक है। ऐसे देखो, बिलो पावर्टी लाइन, अबव पावर्टी लाइन, और ये दे दिए गए शहर ए बी सी डी ई ठीक है। मान लो 25% दे देंगे, 27% दे देंगे, 28%, ये जनसंख्या दी गई है कि 29% दे देंगे और 41% दे देंगे, ये इनकी जनसंख्या जो बिलो पावर्टी लाइन रहती है, रिजाइड करती है ठीक है। और आपसे कह दिया गया कि एक APL दे दिया गया, और एक दे दिया गया कि जो BPL में रहने वाले मेल और फीमेल का रेशियो है, वो उनका कुछ एक सीरीज दे दी गई, एक टेबल बना के, और फिर दूसरे में जो अबव पावर्टी लाइन है उनका मेल और फीमेल का अनुपात दे दिया गया। अब आपको मान लो दे दिया गया कि B में इतने 27 लाख लोग रहते हैं, तो B के अबव पावर्टी लाइन रहने वाले लोगों की संख्या, इस तरह से कैलकुलेटिव थोड़ा DI आया हुआ था थर्ड शिफ्ट में, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और हम CHSL की जैसे कि एक्सपेक्टेड सीरीज शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ साथ देना, मतलब सपोर्ट करें, और हम करते रहेंगे साथ में। और मेंस भी स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल बिना किसी पैसे के, बस बने रहें और बस लाइक और शेयर करते रहें। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर यू।